దేశవ్యాప్తంగా పెట్రోల్ రేట్లు పెరగటంపై మండిపడుతున్నారు వాహనదారులు. ధరలు రికార్డ్ స్థాయిలో పెరుగుతున్నా కేంద్రం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవటం లేదని మండిపడుతున్నారు. ధరల పెరుగుదలతో సామాన్యులపై కూడా విపరీతమైన భారం పడుతుందంటున్నారు. వెంటనే ఆయిల్ రేట్లను జీఎస్టీ పరిధిలోకి తీసుకురావాలంటున్నారు. जो डेली बेसिस पे जो काम करने वाले लोग हैं, जो रोज अपना खर्चा चला रहे हैं, पेट्रोल भरा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही समस्या वाली बात है. जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, पहले 60 रुपये, फिर 62-65, अब आज 80 रुपये तक पेट्रोल पहुंच गया है, तो एक आम जनता के लिए बहुत ही परेशानी वाली बात है. इसमें जो बहुत बड़े लोग हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उनको शायद इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता होगा, बट जो आम जनता है वो बहुत परेशान है. जैसे आज मैं मेरी गाड़ी से ट्रेवल कर रहा हूँ, तो मेरा बजट, जो काम धंधे ऑलरेडी बहुत मार्केट बहुत रिसेशन वाला हो चुका है, मार्केट बहुत रिसेशन है, काम धंधे बहुत इजी नहीं है, टफ हो गए हैं, उस परिप्रेक्ष्य में इनकम वैसी बढ़ नहीं रही है, महंगाई डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और स्पेशली पेट्रोल, तो पेट्रोल अगर इस कदर बढ़ेगा तो डेफिनेटली आम जनता के लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है. दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस पर सरकार कोई आप ये नहीं ले रहा, निर्णय नहीं ले रहा. पेट्रोल का दाम जहाँ घटना चाहिए था, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है बीजेपी की सरकार में. ट्रांसपोर्टिंग खर्चा बढ़ते जा रहा है, किसान पर काफी दबाव पड़ रहा है. इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और दूसरी सरकार बहाल करनी चाहिए. हम तो यही कहेंगे, कौन सी ऐसी समस्या है कि देश में इतना डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ते जा रहा है? कौन सा ऐसा इमरजेंसी है? किसान का बहुत मुश्किल हो रहा है, ट्रांसपोर्टिंग का भाड़ा बढ़ रहा है, बस का किराया बढ़ रहा है, हम लोगों का कोई भी काम करने के लिए काफी मुश्किल में हम लोग झेल रहे हैं. वो तो सरकारी तेल पर चलना है, कोई फर्क पड़ता नहीं है. बनते हैं भारत के प्रधानमंत्री या बिहार में नेतागिरी करने खाली आते हैं, भारत से तो मतलब है.